Hello students, welcome to the second discussion of reading passages for MA entrance English students. My name is Poonam Dua. I am from MN Education Academy of Literature. Please do not forget to share and subscribe the channel. You can contact at the given number to join our online classes. दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इंस्पायरिंग फॉर एम ए एंट्रेंस बी इट एनी यूनिवर्सिटी डी यू पी यू जे एन यू बी एच यू जामिया और आई पी तो आइए शुरुआत करते हैं इस पैसेज की एंड वन टिप दैट आई वाइक टू गिव टू माई स्टूडेंट्स इज कि पहले आप अपना पैसेज पूरा रीड करिए एग्जाम में गिव इट टू मिनट और थ्री मिनट्स टू रीड द पैसेज क्योंकि आपको उस पैसेज से रिलेटेड पाँच क्वेश्चन होंगे मोस्ट पॉबेबली तो इट इज़ नॉट लाइक वेस्टिंग ऑफ टाइम आप पैसेज पढ़िए पहले से फिर आप हर क्वेश्चन को आराम से रिलेट कर पाएंगे पैसेज के साथ कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली दे स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड दे कीप ऑन स्क्रोलिंग द पैसेज फॉर द आंसर दिस वे यू विल वेस्ट मोर टाइम बिलीव मी दिस इज नॉट अ शॉर्ट कट एट ऑल तो पहले आप पैसेज पढ़िए और फिर क्वेश्चंस देखिए और फिर उन क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करिए इट विल सेव योर टाइम तो शुरुआत करते हैं इस पैसेज की मैं शुरू की दो लाइंस पढ़ूंगी पहले ओरिएंटलिज्म ओरिएंटलिज्म के बारे में अगर आप और जानना चाहें तो यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ माइंड दैट डिस्क्राइब्स ओरिएंटलिज्म इन एन इजी मैनर तो यू कैन चेक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थाट बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द ओरिएंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑक्सीडेंट अभी मैं इतना ही पढ़ूंगी हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको रिलेट करते जाएंगे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं कि ओरिएंटलिज्म होता क्या है ओरिएंटलिज्म बेसिकली सबसे पहले तो बात करते हैं उस बुक की इट इज़ अ बुक 1978 में लिखी गई थी जो बुक बाय एडवर्ड डब्ल्यू सेड इन विच द ऑथर एडवर्ड सेड डेवलप्ड द आइडिया ऑफ ओरिएंटलिज्म तो ओरिएंटलिज्म को वो डिफाइन कैसे करते हैं देखिए ही डिफाइंड द टर्म दैट वेस्ट हिस्टोरिकली पेट्रोनाइजिंग रिप्रजेंटेशन ऑफ The east because western people, eastern people colonized eastern and they lived in this particular area for many centuries so they developed a kind of uh, prejudices against the eastern people and reflection of those habits of eastern people in their history their culture their social description and their political accounts happened to be called orientalism अब इस पैराग्राफ में दिए गए कुछ टफ़ वर्ड्स का मतलब समझते हैं वही पहली दो लाइंस पढ़ के ओरिएंटलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड अपॉन द ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टोमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट सबसे पहले जानते हैं ऑन्टोलॉजी को ऑन्टोलॉजी इज द फिलोसोफिकल स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस यू कैन से एग्जिस्टेंस एंड रियालिटी Next, epistemology. Epistemology is the study or branch of philosophy concerned with the theory of knowledge. Next, the Orient. Orient is a historical term for the East and uh, traditionally comprising anything that belongs to the Eastern world in relation to specifically Europe because Europe was the main continent which colonized. Kiya tha. Next, the Occident. ऑक्सीडेंट इन इंग्लिश इज लार्जली यूज एज अम फॉर द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया द पीपल ऑफ़ एशिया द हैबिट्स ऑफ एशियन पीपल तो इन टर्म्स को जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टेक्स्ट में क्या है अब पहले इस टेक्स्ट को एक बार पढ़ लेते हैं सेकेंड लाइन से ऑक्सीडेंट तक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ दस अ वेरी लार्ज मास ऑफ राइटर्स अमंग होम आर पोएट्स Novelists, philosophers, political theorists, economists, and imperial administrators have accepted the basic distinction between East and West as the starting point for elaborate theories, epics, novels, social descriptions, and political accounts concerning the Orient, its people, custom, mind, destiny, and so on. तो इस पैराग्राफ के थ्रू हमें एटलीस्ट इत इतना पता चलता है मे बी वी विल नॉट गो फॉर दी वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन कि ओरिएंटलिज्म एक तरीके की स्टडी है जो ये पाती है कि एक तरीके का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ईस्टर्न पीपल एंड बिटवीन दी वेस्टर्न पीपल एंड दिस डिफरेंस इज देयर सिंस एजेस और ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है बाई दी पोएस पोएट्स नावल्स फिलोसोफर्स इन देयर एपिक्स नावल्स एंड सोशल डिस्क्रिप्शन इवन पॉलिटिकल अकाउंट्स तो ओरिएंटलिज़म एक तरीके का बस डिफरेंस है बिटवीन द पीपल ऑफ़ ईस्ट एंड बिटवीन द पीपल ऑफ वेस्ट आप जानते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को द पैसेज सजेस्ट दैट द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट तो यहाँ पर आप बेसिक वर्ड पर ध्यान दीजिए बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज फर्स्ट सस्टेन्ड थ्रू लिटरेचर अलोम तो ये ऑप्शन कट हो जाता है क्योंकि ऊपर के पैराग्राफ में देखिए वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट लिटरेचर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनमी एज वेल नेक्स्ट इफर्मल इफोमल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड इफर्मली मीन्स द कंसेप्ट ऑफ थिंग्स बींग ट्रांजिटरी एग्जिस्टिंग ओनली ब्रीफली तो ओरिएटलिज्म का ब्रीफ एग्जिस्टेंस तो नहीं रहा है तो so, दिस ऑप्शन ऑल्सो कट्स नेक्स्ट हिस्टोरिकली प्रोड्यूस तो ये हिस्टोरिकली प्रोड्यूस तो है लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों के व्यू पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं Next is natural, and natural is what seems to be uh, more perfect than the other options given over here. Ki it exists almost in every field be it poet, be it novelist, be it philosophers, be it political theorists, be it economists or uh, administrators or any other field. Uh, the Orientalism exists. That means Orientalism is a natural thing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओरिएंटलिज्म अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज इज अ डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ प्रेजुड बंच ऑफ रिचुअल्स और सेट ऑफ नॉवेल्स एंड एपिक्स अब शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर फोर से ऑप्शन नंबर फोर से इज़ ऑनली सेट ऑफ नॉवेल्स एंड एपिक्स जबकि ऊपर देखिए बहुत सारे टॉपिक्स की बात हो रही है तो ये ऑप्शन तो अपने आप कट जाता है नेक्स्ट बंच ऑफ रिचुअल्स तो बंच ऑफ रिचुअल्स इज also नॉट अ सिंगल थिंग that वी कॉल orientalism नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ प्रेजुडिस येस कलेक्शन ऑफ प्रेजुडिसेस हैं लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे और सब्जेक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन सो दिस बिकम्स दी आंसर और मैं आपको बता रही हूँ डिस्करसिव कंस्ट्रक्शन का एलेबोरेटेड मीनिंग डिस्करसिव कंस्ट्रक्शन मीन्स मूविंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक विदाउट एनी ऑर्डर तो यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बेस पर ओरिएंटलिज्म को डिफाइन किया जा सकता है और उन टॉपिक्स का कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है दैट इज वाई ऑप्शन नंबर वन इज मोस्ट सुटेबल ओवर हियर next and last question orientalism according to this passage is too vast yet effective because it is natural it cannot be resisted it was supported by great authors it represents style of thought naturalized over the सेंचुरीज सो येस इट इज़ नेचुरल ऑल्सो एंड इट के नॉट बी रेजिस्टेड एंड इट वॉज सपोर्टेड बाई ग्रेट ऑथर्स एज वेल लेकिन इन सब में से सबसे अच्छी डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर ऑप्शन नंबर फोर जो कि कहती है कि ओरियंटलिज़म रिप्रजेंट्स अ स्टाइल ऑफ थाट नेचुरलाइज्ड ओवर दी सेंचुरी सो ऑरिएटलिज्म एक ऐसा स्टाइल ऑफ थाट है एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो कि इतने सालों से नैचुराइज हो चुका है बहुत सालों से ये सब प्रेज चलता आ रहा है और इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में आ चुका है कि दिस डिफ्रेंस दिस ऑरिएटलिज्मज़ नाउ बीन नेचुरलाइज इस पैराग्राफ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओरिएंटलिज्म टर्म को बहुत अच्छे से समझें तो यहाँ पर मैंने लिंक भी दे दिया उस वीडियो का जिसमें ओरिएंटलिज्म को डिस्क्राइब किया गया है प्लीज़ क्लिक ऑन दिस वीडियो टू नो अबाउट द टर्म इन एन एलैबरेटेड मैनर एंड देर इज़ अनदर लिंक विच विल मेक यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स